दो दिन का गुजरात दौरा, प्रधानमंत्री कच्छ में दो रैलियों को करेंगे संबोधित। कल गांधीनगर में अफ्रीकन बैंक डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भी लेंगे हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से तीन दिन के तेलंगाना दौरे पर। शाह पार्टी की मतदान केंद्र समितियों के सदस्यों के साथ करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के नौगांव में आतंकियों से एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, अभी भी दो आतंकियों के छिपे होने की खबर। कुलभूषण जाधव पर आईसीजे में हार के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट आई सामने। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक और भारतीय को किया गिरफ्तार। भारतीय नौसेना चार शिप के लिए इसराइल से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम खरीदेगी, करीब 4,000 करोड़ में डील हुई। यूपी के कन्नौज जिला जेल में कैदियों ने जमकर कोहराम मचाया, दो डिप्टी जेलर्स की पिटाई कर दी। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे एसपी और डीएम ने हालात पर पाया काबू। यूपी के सीएम योगी से आज आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी के परिजन मिलेंगे, सीबीआई जांच की करेंगे मांग। हजरतगंज थाने में दर्ज कराएंगे हत्या का केस। 17 मई को संदिग्ध हालत में मिला था अनुराग का शव। अयोध्या मामले में आज लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी समेत कई नेताओं पर दोबारा केस चलाने का दिया है आदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी होगी, 10 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का है आरोप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये मुलाकात होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, दोनों को बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। बिहार के औरंगाबाद में बारातियों से भरी बस और एक ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, इस हादसे में चालक समेत पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए हैं, 500 और 1,000 रुपए की करेंसी में ये नोट मिले थे। आज से दौड़ेगी तेजस ट्रेन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु दिखाएंगे हरी झंडी, मुंबई से गोवा के बीच चलेगी ट्रेन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड विधायक कपिल मिश्रा के आरोपों पर पहली बार सफाई दी है। केजरीवाल ने कहा है कि आरोपों में अगर रत्ती भर भी होती सच्चाई तो मैं जेल में होता, आरोप जवाब देने लायक भी नहीं, हमारा चंदा सबसे पवित्र। इधर यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य के दामाद के भाई की दबंगई सामने आई है, कासगंज के सिंहपुरा में जमीन पर अवैध कब्जा करने का और जमीन मालिक की पिटाई का आरोप है, केस दर्ज किया गया है। लखनऊ में पार्श्वनाथ डेवलपर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, ग्राहकों से फ्लैट के नाम पर 160 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है। झारखंड के गिरिडीह जिले में 9वीं क्लास में छात्रा की सुसाइड का मामला सामने आया है, 5 लड़कों की छिड़खानी से परेशान होकर छात्रा ने कदम उठाया। फरीदाबाद में फर्जी कंपनी बनाकर जमीन बेचने वाला बिल्डर गिरफ्तार किया गया है, 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब में बोले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आतंकवाद को अपनी जमीन से खत्म करना हर देश की जिम्मेदारी, भारत को बताया आतंकवाद से पीड़ित देश, पाकिस्तान का नहीं लिया नाम। भारतीय मूल के लियो वराजकर बन सकते हैं आयरलैंड के अगले पीएम, पार्लियामेंट के ज्यादा मेंबर्स का मिल रहा है सपोर्ट, 2 साल पहले खुद के ये होने का किया था ऐलान। मॉल्डोवा में समलैंगिकों के अधिकारों के लिए मार्च निकाला गया, एलजीबीटी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ब्राजील में राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति को हटाकर दोबारा चुनाव कराने की गई मांग। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की रिकॉर्ड जीत, तीसरी बार बनी चैंपियन, पुणे को 1 रन से हराया, मुंबई ने दिया था 129 का लक्ष्य, कुणाल पांड्या बने मैन ऑफ द मैच।
भारत के शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने जीता गोल्ड मेडल। चीन में चल रही एशियन विल्टिस चैंपियनशिप में जीता गोल्ड।